मेडिकल लाइन में हमारी शादी होती है और उसके बाद में क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो कोर्स स्टॉप हो जाते हैं, नहीं आगे कर पाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं वाह क्या बताया, लेकिन शादी हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो आगे की हम पढ़ाई नहीं कर पाए, या एक साल या छह महीना दो साल ब्रेक लग गया। तो इसको ब्रेक ना लगे तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, कंट्रासेप्टिव के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम कुछ चीजें अपने बच्चों से जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे की जो थीम है वो है द पावर ऑफ ऑप्शंस, जिसके सबसे बड़े एग्जांपल आप सब हैं। जब आप लोगों को अपनी फील्ड चूज करने का, प्रोफेशन कैरियर चूज करने का ऑप्शन आया, कुछ ने जीएनएम चुना, कुछ ने एएनएम, कुछ ओटी टेक्नीशियन, कुछ फिजियोथेरेपी, कुछ लैब टेक्नीशियन, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिले ना। सपोज करो अगर केवल ओटी टेक्नीशियन होता तो जीएनएम और एएनएम वाले कहाँ जाते, वो अगर नर्सिंग के फील्ड से नहीं जुड़ पाते तो उनके पास लिमिटेड ऑप्शन होते। उसी तरीके से जब बात गर्भ निरोधक की आती है, अगर सिंपल केवल मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारा हिंदुस्तान खासतौर से, तो ऑप्शन केवल मेल के पास होते तो फीमेल से कहती ना कि हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए और क्या चूज करना चाहिए। तो अपने आप में कॉन्ट्रासेप्शन एक ऐसी फील्ड है कि मैक्सिमम पावर फीमेल्स के पास है, मेल्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। आज तो फीमेल्स बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास जो वो अपनी पर्सनल चॉइस से चुन सकती है।